नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया प्रश्न लेकर आया हूँ और उसका उत्तर भी। आखिर नवदा भक्ति क्या है? आपने बहुत सुना होगा लोगों से कि नवदा भक्ति हम करते हैं। आखिर नवदा भक्ति है क्या? व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है, उनमें से ईश्वर भक्ति के अंतर्गत नवदा भक्ति आती है। नवदा का अर्थ है नौ प्रकार से या नौ भेद। अतः नवदा भक्ति यानी नौ प्रकार से भक्ति। इस भक्ति का विधिवत पालन करने से भक्त भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिन भक्तों ने भगवान को प्राप्त नहीं किया है और जिन्होंने प्राप्त किया है, वह दोनों नवदा भक्ति करते हैं। वैष्णव भक्तों ने इस भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है। नवदा भक्ति दो युगों में दो लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था, फिर त्रेता युग में श्री राम ने माँ शबरी से कहा था। नवदा का अर्थ है नौ प्रकार से या नौ भेद। अतः नवदा भक्ति यानी नौ प्रकार से भक्ति। श्री राम की नौ प्रकार से भक्ति प्रहलाद जी द्वारा कही गई नौ प्रकार से भक्ति से थोड़ा सा भिन्न है। नवदा भक्ति रामायण रामचरितमानस के अरण्यकांड में है, जब माता शबरी ने कहा कि मैं नीच अधम मंद बुद्धि हूँ, तो मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ। तब श्री राम ने उनसे कहा, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। फिर श्री राम नवदा भक्ति कुछ इस तरीके से कहते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मेरे मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों में कमल की सेवा, और चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गाना करें। गुरु के चरण कमलों की सेवा करना यह तीसरी चरण सेवा भक्ति है। चौथी भक्ति गुण समूहों का गाना यानी कीर्तन भक्ति है। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास यह पांचवी भक्ति है, जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव में मुझमें देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराए दोष को ना देख। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनकी एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर मुझे तो सभी प्रकार की भक्ति दृण है। अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।